हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश होंगे। आई नो कि गैप हो रहा है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि मैं भले थोड़ा दिन गैप हुआ, जो भी हुआ होगा, मैं कंटिन्यू करूँगी जब भी समय मिलता है। तो आज 25 नवंबर है और आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और आज इम्पॉर्टेंट दिन क्यों है बोला जाए तो आज के दिन भेड़िया मूवी जो वरुण धवन और कृति सनन लीड कर रहे हैं एज अ एक्टर, वो मूवी आज रिलीज़ हो रहा है और आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग देखने वाले हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, अरुणाचल में शूट हुआ। दूसरी बात, अरुणाचल के जो आर्टिस्ट है, कुछ आर्टिस्ट वहाँ पे उन्होंने एक्ट किया है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेरे छोटे भाई केको, के फॉर केको, यानी कि केको का गाना है वहाँ पे थीम सॉन्ग, तो इसलिए हम जाने वाले हैं कुछ देर में। अभी वजह है 3:20 का शो हम लोग देखने जाने वाले हैं। मैं, जैक और अनिल जाने वाले थे, क्योंकि रिसेंटली हमारे जो हमारा चैनल है अरुणाचल जूनियर न्यूज़ चैनल, उसका यूट्यूब में 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुका है। अभी 2 लाख से ज़्यादा हो चुका है, अभी तो क्रॉस हो चुका है। तो उसको जस्ट सेलिब्रेट करने के लिए पहले ही बुकिंग कर लिया था, तो हम लोग जाने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अनिल सेपा में फंस गया। तो अनिल का जो फ्रेंड है, या फिर कह लीजिए गर्लफ्रेंड है, वो ज्वाइन करने वाली है ऑन बिहाफ अनिल, तो हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। जैक, मैं अभी ऑफिस में हूँ, जैक रूम गया फ्रेश होने के लिए, और वो जो अनिल का जो गर्लफ्रेंड है वो आएगी, वो वहाँ सीधा पहुँचेंगे। तो उस बीच में, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। उस दिन मैंने आप सबको दिखाया था कि हमने जुगाड़ कर जो का जो स्टूडियो है, हमने थोड़ा बहुत साउंड प्रूफ बनाया था। तो आज हमने फिर कुछ मंगाया था, तो उसको मैं दिखाऊंगी आज सवेरे से। मैंने तो कुछ नहीं किया, जैक ने पूरा लगाया, तो वो दिखा लेती हूँ, ठीक है। उस दिन को बस ये वाला था, अभी बस अभी ये सब लग चुका है, ये सब लग चुका है और ये लग चुका है, आज ही वो लगाया है और जुगाड़ ये साउंड प्रूफ। बाद में यहाँ पे भी हम लोग कुछ लगाएंगे, अभी तो जस्ट खुद सेट खिली ठोका हुआ है, तो इसलिए ऐसा है। तो पहले का कंपेयर में अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी साउंड प्रूफ हो गया है, साउंड प्रूफ एंड मोर ओवर लाइक इको ना, वो खिड़की को तो हम लोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन मतलब उसको फुली क्लोज नहीं कर सकते, तो हम लोग वहाँ पे कुछ करेंगे, मैनेज करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये है, अभी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, बहुत ही अच्छा हो गया पहले के कंपेयर में। तो ये था, आप लोगों ने देख लिया, अंदर का थोड़ा साउंड प्रूफ हो गया, अच्छा हो गया, मतलब पहले के कंपेयर में अच्छा हो गया, जुगाड़ू वाला था। तो क्या, तो अभी जेक का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे हॉल के लिए, सिनेमा हॉल के लिए। और ये जो व्लॉग रहेगा वो स्पेशली 2 लाख का सेलिब्रेशन मूवी मूवी देखने के लिए, बाकी कुछ तो है नहीं, मूवी देखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट डे फर्स्ट शो का भेड़िया मूवी का मैं रिव्यू दूंगी आप सबको, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, हम लोग सीधे आप सबको मिलेंगे हॉल पे। और मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि वो हॉल का भी आप सबको दिखा दूँ एरिया, क्योंकि अभी रिसेंटली नया एक हॉल खुला है यहाँ पे, सिनेमा हॉल पैंटालून शोरूम के अब ऊपर ही है, पास में ही है, ऊपर मीन्स ये सेम ही बिल्डिंग है। तो TNZ काफ़ी अच्छा है, उसका एम्बियंस अच्छा है, सीटिंग जो सीटर्स है, बैठने का जो है वो भी बहुत अच्छा है, उस मतलब चलने के लिए भी जगह उन्होंने छोड़ा है, मतलब एम्बियंस वगैरह, मतलब बाकी मतलब दूसरे कमरे में भले थोड़ा छोटा है, कैपेसिटी थोड़ा कम हो सकता है दूसरे के कमरे में, लेकिन अच्छा है, वही चाहिए ना लोगों को। तो चलिए सीधे आप सबको हॉल में मिलती हूँ मैं आप सबको। तो हम लोग निकल चुका था, शुरू हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट गया लग रहा है, हाउसफुल है, ठीक है, और तेरा बस चल रहा है। तो ये है फीमेल अनिल मेरा अनिल वहाँ जेक बैठा हुआ है, अभी ब्रेक चल रहा है इंटरवल। हम लोग TNZ सिनेमा में आए, उस दिन हम लोग यहाँ बैठे थे टीम के साथ, ये वाला फर्स्ट, आज हम लोग पाँव लेटने वाला में बैठे।
करके हम वो करके रखा है डिस्प्ले। खत्म। केको का भी गाना आ गया। बहुत बहुत मजा मजा। कैसा लगा? अच्छा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कॉमेडी सीन है, सब चीज मिक्स था, बहुत मजा था। इसका रिव्यू बाद में आराम से घर में जाके दूंगी, अभी निकाल लूंगा। और क्या अच्छा था, सेटिस्फाइड, बहुत सेटिस्फाइड। पहले खींच देगा, पहले इसको खींच देते हैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने जैक को और फीमेल वर्जन ऑफ अनिल को मैंने घर पे ड्रॉप कर दिया और अपना सामान जो लेना था सब लेके अभी मैं रूम पहुंच चुकी हूँ। और भेड़िया का जो मैंने कहा था कि फर्स्ट शो को देखकर मैं अपना रिव्यू दूंगी, तो सबसे पहले तो रिव्यू देने पहले मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत थिएटर के अंदर ही बोल दिया था, लेकिन अभी घर आके क्योंकि अकेली हूँ कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, तो सबसे पहले तो टू एंटायर टीम ऑफ भेड़िया आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मूवी फाइनली रिलीज हो गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन, स्पेशली दी आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट अरुणाचल प्रदेश से जिन्होंने भेड़िया मूवी में एक्ट किया या फिर एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन आप सब ने दिया है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर मूवी की बात करें तो नॉट सुपर डुपर, मुझे ऐसा नहीं लगा बहुत वाव वाला, बट अच्छा था, विद कंसेप्ट था। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को लेकर था, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन्होंने बात की और थोड़ा बहुत रोमांस था उसमें। लेकिन VFX की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे और मतलब अट्रैक्टिव चीज़ मुझे क्या लगा, जो वरुण धवन जब वुल्फ मतलब भेड़िया में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो वो वाला सेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से मतलब कह सकते छोटा छोटा चीज़ को उन्होंने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छा से दिखाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सेकेंड थिंग, केको को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी क्योंकि उनका दो भाई का दो गाना था। जब लास्ट इंटरव्यू लिया था तो वो बोल रहा था कि श्योर नहीं है मैन वाला गाना, दूसरा गाना जो आएगा कि नहीं आएगा, तो थीम सॉन्ग तो था ही, लेकिन मैन वाला में भी उनका भाई का आ गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन केको। और ओवरऑल पूरा मूवी का बोल रहे तो अच्छा था, अच्छा मूवी था। और यह अच्छा लगा कि अपने लोगों को बड़े स्क्रीन में बॉलीवुड मूवी में देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्योंकि अभी आज फर्स्ट डे है, 25th है, तो अभी और लंबा आई गेस चलने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सभी से कहना चाहूँगी जाइए देखिए, बहुत अच्छा लगे। और यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना भूल गई मैं, कॉमेडी भी बहुत था, मतलब बीच बीच में बहुत मतलब कॉमेडी था, सीरियस था, रोमांस था, मतलब ओवरऑल अच्छा था, सीरियस टॉपिक भी था जैसे इन्वायरमेंट को लेके था, तो कॉमेडी भी था, बहुत बढ़िया था। और जैसे ताई तुम सर ने एक किया, दोसम भैया ने जो कि दूरदर्शन में काम करते हैं वो थे, और बहुत सारे लोग थे अरुणाचल के, आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे इम्पोर्टेंटली पालिन का बाग बहुत अच्छा एक्ट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो मतलब एक बॉलीवुड एक्टर के साथ में जो लोग ऑलरेडी इतने फेमस हैं उनके साथ मतलब यू नो कोई उनसे थोड़ा मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि उनसे कम, बराबर का टक्कर उन्होंने दिया, तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मूवी, इन टर्म्स ऑफ मूवी मेरे ओर से मतलब अच्छा था, नॉट सुपर डुपर बट अच्छा था। और आई होप कि ये मूवी अच्छा चले और आप सबका बहुत साथ ज़रूरी होगा, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आप लोग आप सबका रिव्यूज़ अलग होगा, लेकिन मेरा अपना तरफ से मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया। एंड ये है कि आप जाकर ये भेड़िया मूवी देखकर आप लोग निराश नहीं होंगे, ये तो मेरे तरफ से आपको गारंटी, अच्छा लगेगा। और फैमिली मूवी है, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, सबके साथ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए भेड़िया मूवी को, सपोर्ट करिए। और स्पेशली अपने लोग हैं तो अपने लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ओवरऑल अच्छा था। तो ये जो व्लॉग है स्पेशली ये भेड़िया मूवी का था, तो आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे ऑफ रिलीज था, तो मेरे तरफ से यही रिव्यू है। ओवरऑल
आउट ऑफ 5 आई वुड गिव 3.8 स्टार्स आज के लिए. एंड एक्टिंग भी 5/5, पर उनका एक्टिंग भी अच्छा लगा इसमें. और पालिन का बाग 10/10, बाकी लोग भी 10/10, लेकिन या पालिन का बाग थम्स अप. और केको बहुत अच्छा काम किया. और ज़्यादा कुछ तो है नहीं कहने के, ये रिव्यू वाला था. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब जाइए देखिए और अपने लोगों को सपोर्ट करिए. और या अपने अरुणाचल को भी मतलब सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर ये आप मूवी देखोगे कि कहीं ना कहीं अरुणाचल का जो टूरिज्म है या फिर अरुणाचल का जो सुंदरता है वो दूसरे लोग भी देखेंगे. तो जाइए देखिए इंजॉय करिए. तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, ये वीडियो यहीं तक होगा. जाते जाते जल्दी मिलती हूँ. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और ख्याल रखिए. नेक्स्ट व्लॉग जब तक हम मिलते हैं, बाय बाय.